लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहले देश के गलियारों से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, इस बार विदेशों से हमला किया गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष चुप बैठा हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। दरअसल ईवीएम पर सियासी बवंडर की शुरुआत टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान से हुई है। हमारे देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कई राज्य विधानसभा और उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर ईवीएम का जन्म जाग उठा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को सामने आए थे। इस चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी इस बार अपने दम पर 272 सीटें यानी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए को इस चुनाव में 292 सीटें मिली हैं। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। उधर इंडिया गठबंधन ने सभी अनुमानों को धता बताते हुए 234 सीटों पर सफलता हासिल कर ली है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इस बार किसी भी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल नहीं उठाए। सब अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया भले ही सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात की खुशी मना रहा था कि इस चुनाव में भाजपा को कई राज्यों में वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ। साथ ही अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष संतुष्ट था। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव नतीजे के इतने दिन बाद देश में ईवीएम को लेकर क्या शोर मचा हुआ है। दरअसल दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने 16 जून को चकरा देने वाला दावा किया था। कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी चुनावों से ईवीएम को हटाने की मांग की। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट अल्फ कैनेडी जूनियर के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैनेडी जूनियर ने एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित सैकड़ों मतदान अनियमितताएं सामने आई हैं। सौभाग्य से पेपर ट्रेल था, इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। सोचिए उन क्षेत्रों में क्या होता होगा जब कोई पेपर ट्रेल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी नागरिकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनके प्रत्येक वोट की गणना की जाए। उनके चुनावों में कोई सेंध नहीं लगाई जा सकती। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्हें पेपर बैलेट पर भी विश्वास लौटाना होगा। टेस्ला सीईओ मस्क के पोस्ट को टैग करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश में ईवीएम के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कस दिया और कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। अमित माली ने कहा कि एलन मस्क या जैसे भी ऐसे लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो भारत के चुनाव आयोग के पास जाकर इस बात पर बात कर सकता है। वहीं राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ईवीएम सुरक्षित है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम पर सियासी बवंडर मुंबई तक पहुंच गया। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडलीकर पर आरोप लगाया गया है कि वे 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन लेकर गए थे और ईवीएम को अनलॉक किया था। पुलिस ने इस मामले में वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वनराई पुलिस की जांच में पता चला है कि मंगलेश पंडलीकर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आने पर विपक्षियों ने हमला करना शुरू कर दिया। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों पर आश्चर्य जताया था। उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या ईवीएम पर इसलिए संदेह जताया जा रहा है क्योंकि इस लोकसभा सीट से उनकी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली। दरअसल इससे पहले शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को 48 मतों के अंतर से हराया था। इस चुनाव परिणाम के बाद ये आरोप लगने लगे कि मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर ईवीएम से कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राज्य में किसी अन्य लोकसभा सीट के परिणामों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई उत्तर पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के प्रत्याशी की जीत हुई है। हालांकि मुंबई में ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। मुंबई की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है और ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा था कि ईवीएम को किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह पैदा करने के लिए न्यूज़पेपर को नोटिस जारी किया जाता है।
लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर पूछे गए सवालों पर मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा ही कह दिया था जिसकी चर्चा चारों तरफ हो गई थी। दरअसल उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब क्यों पिटना है, अब थोड़े दिन ईवीएम को आराम करने दीजिए, उससे अगले चुनाव तक आराम करने दीजिए, फिर बाहर आएगी, बैटरी बदलेंगे, पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी और फिर रिजल्ट अच्छे से बताएगी, शायद गलत मुहूर्त से उसका जन्म हुआ है।